बहुत बहुत धन्यवाद भाई। डर 101% है। ये देखो सामने कैमरा लगा है ना, ये पूरा चालान काटेगा भाई तुम्हारा। इसलिए यहाँ पे जो है भाई स्पीड अपनी स्लो रखो जितना हो सके। भाई लोग कैसे हो सभी, और आप सभी को भाई जय श्री राम। और भाई आज मैं जा रहा हूँ देहरादून, और जा क्यों रहा हूँ कारण ये है कि भाई मेरे को जो है अपनी सिस्टर को डॉक्टर पे दिखाना है देहरादून में, तो भाई इसलिए मेरे को देहरादून जाना पड़ रहा है। और भाई जैसे कि मैंने स्टोरी डाल रखी है कि कोई भाई मेरा देहरादून से हो तो मेरे को मिलना, क्योंकि भाई सिस्टर के साथ मम्मा भी आ रही है, और मम्मा को वहाँ से लेके जाना है सिस्टर के साथ डॉक्टर के पास, जो कि 7 किलोमीटर दूर है रिस्मिना से। तो भाई लोग ये चेक करो भाई, निकल गए फ्यूल पंप के लिए, और भाई फटाफट से फ्यूल वगैरह भरवाते भाई, क्योंकि मम्मा और को तो मैंने बैठा दिया गाड़ी में। और भाई अब मेरे को निकलना है यहाँ से, इसकी हवा वगैरह चेक करानी भाई, उसके बाद तेल वेल टंकी वंकी फुल करवाते भाई, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और मिलते भाई आपसे आगे। और ये चेक करो भाई, लोग पहुँच गए फ्यूल पंप पे, फटाफट से इसको फुल वगैरह करवाते हैं। फुल कर देना, ऊपर आ गए यार, एक सेकेंड। गिरेगा ये तेल ऊपर आ गया ना, अरे देखो मैं ना ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तेल था बंदा इसमें पहले का, तो भाई लोग तेल वगैरह की टंकी वगैरह भी फुल करा दी भाई अपनी, और अब इसमें हवा वगैरह चेक कराते भाई पिछले टायर में, क्योंकि टायर में हल्का सा एक पंचर है मेरे को ऐसे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, और फिलहाल चल जाएगा भाई ट्यूबलेस है, तो अभी थोड़ा मेरे को लेट हो रहा है, तो फिलहाल के लिए इसमें हवा वगैरह भगराते और देहरादून में जाके करवाएंगे भाई इसमें पंचर वगैरह ठीक। फिलहाल के लिए हवा चेक कराते भाई लोग। भाई लोग निकलते हैं भाई फटाफट यहाँ से, गाड़ी वगैरह आगे चले गई मम्मी और सिस्टर उसमें मैक्स में, और हम भी भाई अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं अपने। तो भाई आज क्या है, आज कोहरा वगैरह कम है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कोहरा है भाई, कोहरा है। बाकी भाई तुम्हारा भाई फुल पैक हो रहा है अंदर से, तो ठंड वंड लगने का तो नाम ही नहीं है भाई कि ठंड लग जाए। तो निकलते भाई लोग यहाँ से फटाफट से। और भाई लोग इसी के साथ हमने ये नहर वाला रोड भी क्रॉस किया। और भाई लोग बताओ, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? और भाई मौज चलती रहनी चाहिए। और अपने भैया का एक डायलॉग है जो हमारे फेवरेट मोटो ब्लॉगर है कि टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। और थोड़ा सी भाई इनको बोल, साइड दो भाई साइड दो, ठीक है। और यार ये बीच रोड पर जैसे गाड़ियाँ खड़ी करके रख सके ना, ये गलत है भाई। RTO को अगर चेकिंग करनी तो इनको अंदर ले जाओ भाई, ऐसे गलत है भाई यहाँ पे ऐसे चेकिंग करना। किनारे खड़ी करवाओ गाड़ी, ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। वो तो आ गए भाई लोग बढ़िया वाली रोड पे, बढ़िया मतलब कि इन द सेंस अच्छी वाली रोड है, और इस रोड पे पाला ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है भाई। और आगे जो है भाई खैरा के सामने ना, जो भी भाई मेरा आएगा तो खैरा पंजाबी ढाबा सामने सामने देखा ही होगा यहाँ पे का हरिद्वार रोड का, वहाँ पे भाई एक स्पीडोमीटर लगाया है जिसमें कि भाई आप 40 से अबव जाते हो ना, ऊपर जाते हो 50, 60, 70 तो भाई आपका 500 रुपये का चलान कट सकता है। तो फिलहाल के लिए भाई मैं भी देखते हुए जाऊँगा कि जो जोश में भी गाड़ी ना भगाऊँ, तो फिर वरना 500 रुपये का चलान हो जाएगा भाई। तो आराम आराम से चलते भाई लोग यहाँ से, और मिलते हैं आपको आगे।
ये लगा भाई सामने कैमरा, ये भाई स्पीड लिमिट 40 कम से कम, इससे भाई चालान कटने का डर 101% है। ये देखो सामने कैमरा लगा ना, ये पूरा चालान काटेगा भाई तुम्हारा, इसलिए यहाँ पे जो है भाई स्पीड अपनी स्लो रखो जितना हो सके। मैंने तो कम से कम 47 रखी हुई है, अब देखते हैं चालान आते कि नहीं आता, 40 या 50 करीब लिखा हुआ था उसमें, बाकी आते हुए देखूँगा भाई। वैसे तो हमेशा यहाँ पे मैं गाड़ी भगाता हूँ, पर इस बार मैंने हल्की कर दी, तो जैसे आप देख रहे हो सामने खैरा पंजाबी ढाबा, इसके जस्ट पीछे ही लगा है भाई। तो जो भी मेरा भाई देहरादून आ रहा है हरिद्वारी रोड से, तो आराम से आए, उसके बाद भाई ये कैमरा कहीं पे नहीं है आगे, तो उसके बाद देना आपको सीधे देहरादून में मिलेगा। तो भाई लोग करते भाई यहाँ से इस रोड को क्रॉस, और मिलते हैं भाई आपको सीधे हाईवे पे। चंडी पुल भी पहुँच गए भाई लोग हम, और कोहरा वगैरह अभी चल ही रहा है भाई। और भाई अभी टाइम हो चुका है 10:11, और अभी भी भाई धूप नहीं आई, और लगता नहीं है कि भाई यहाँ धूप आएगी। और भाई इस बार क्या है कि कहीं भी भाई, मेरा विंटर का प्लान था घूमने का कि भाई बर्फ़ वगैरह में जाएंगे, पर भाई कहीं भी मैंने अभी अपडेट लिया तो बर्फ़ कहीं नहीं पड़ी, स्पीति तक में बर्फ़ नहीं पड़ी अभी ढंग से जैसे पड़नी चाहिए। और टाइम तक दिसंबर में बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ गई थी वहाँ, और चौथा भी पता किया था, चौथा में भी बर्फ़ नहीं भाई। बहुत जगह है ऐसी जहाँ घूमने जा सकते थे, जैसे ओली जा सकते थे, तो ओली में भी बिल्कुल बर्फ़ नहीं भाई, वहाँ भी सूखा सूखा सा हो रखा है। अबे यार कैसे कैसे वे कहाँ खड़ी चल रहे भाई आगे, तेरे चक्कर में तेरी बड़ी गाड़ी बैंड हो गई। सो ओली में भी बर्फ़ नहीं भाई, और अभी क्या है कि अभी देखते हैं यार 10-12 तारीख तक कहीं बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद निकलेंगे भाई यहाँ से घूमने के लिए। ब्लॉग वगैरह आपको 2-3 दिन में उसके बाद मिल ही जाएगा, और फिलहाल भाई यहाँ से देहरादून के लिए चलते हैं। ओहो कोब लगी हुई भाई, यहाँ भाई पहुँच गए भाई रिसमीना पुल पे, अब थोड़ा देर घर वालों का वेट करते हैं भाई, घर वाले आते हैं अभी। मेरे पैर भाई जाम हो चुके हैं पूरी तरह से, पैर ज़मीन में नहीं रखे जा रहे भाई बिल्कुल भी। थोड़ी देर गाड़ी साइड पे लगाते आगे जाके, कर क्या रहा है ये, उतनी देर से पैर ऊपर ही थे ना तो ठंड में जाम हो गए भाई, नीचे रखे ही नहीं जा रहे, एकदम झन्ना रहे भाई बहुत बुरी तरह से। तो फिलहाल के लिए साइड पे लगाते भाई गाड़ी, तब तक के लिए घर वालों का वेट करते, उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं यहाँ से जहाँ हमने आज जाना है। फिलहाल के लिए गाड़ी वगैरह साइड पे लगाता हूँ भाई फटाफट से। ओहो मुश्किल है यार, यहाँ गाड़ी नहीं लगाने देंगे। अबे यार मैंने गलत साइड से डाल दी है गाड़ी, और मेरे को सीधा जाना था मम्मी और को लेके। आगे निकलते भाई डॉक्टर के पास यहाँ से, फिलहाल के लिए मम्मी को मैंने पेट्रोल पंप में रुकवा दिया, और सिस्टर को लेके जा रहा हूँ भाई मैं यहाँ से, और उसके बाद देन मेरे को दोबारा वापस आना भाई यहीं पे ही। तो निकलते भाई यहाँ से फटाफट से छोड़ के आते हैं। तो भाई लोग बहन वगैरह को भी छोड़ दिया भाई अभी, और भाई देहरादून में यार गर्दी देखो कितनी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ भाई, यहाँ ना गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा, कोई भी कहीं से भी कट मार के निकाल दे रहा है गाड़ी को, और एक डर सी लग रही है कि गाड़ी टूट ना जाए। और ठंड के टाइम में भाई गिरने का ना ज़्यादा डर रहता है कि चोट लगने का डर ठंड में सबसे ज़्यादा रहता है भाई, तो इसलिए क्या है कि भाई देख दाख के चलना पड़ रहा है। और अभी मैप के सारे भी चल रहा हूँ, तो मैप में भी देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ, तो इस चक्कर में एक डर है कि सामने से कोई उड़ता हुआ ना आ जाए 30 मार का, और अगल बगल से भी बहुत है उड़ने वाले। तो भाई फटाफट से चलते मम्मी को लेकर आते, मम्मी पेट्रोल पम्प के सामने है यार। सो भाई लोग अभी डॉक्टर वगैरह को भी दिखा दिया भाई सिस्टर को, और भाई अब निकलते हैं यहाँ से पार्किंग से बाहर, और फिलहाल मैं देखता हूँ भाई रूट कौन सा वाला दिखा रहा है इस टाइम कि जहाँ पे मेरे को जाना है। इस चीज़ को पहले ऊपर करता हूँ भाई कि लाइट बढ़ाता हूँ, और भाई भाई सही दिखा रहा है यार, है तो रिश्वत नगरी जी।
चलो देखते हैं किधर ले जाता है। अच्छा अभी जाम में फंस गए थे भाई, अब जाम से निकलते हैं फटाफट से। ओए उड़ा मत देना भाई पीछे तो भाई। और भाई अब मिल गई तुम्हारे भाई को सीधी रोड। देहरादून में बस यही है यार कि हम जैसे भगा रहे हैं ना, तो हमारे साथ साथ पीछे से अगर कोई और बाइकर आ गया ना, वो भी छपरी भाई, वो और गंदी भगाएगा भाई। उससे क्या है कि भाई अपने को भी चोट लगने का डर है, तो भाई इसको देखते हुए मैं हल्की चलाता हूँ फिर गाड़ी यहाँ तरीके से, कहीं पीछे से उड़ता हुआ आ गया मेरे पे डाके टकराएगा। और शहीद द्वार, शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट, ओ ठाकुर आदमी अपना। चलो भाई निकलते, पीछे कोई तो नहीं आ रहा। मम्मा के पास जाना भाई, सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, फटाफट आए, दो ढाई घंटे में यहाँ पहुँचे, फिर दिन तुरंत वापस जा रहे, क्योंकि भाई अब लाइफ ही ऐसी हो चुकी है। अभी दुकान भी पहुँचना है टाइम से यार, दुकान खोल रखी है भाई ने छोटे, तो वो भी संभालनी है, और थोड़ा बहुत समोसे वगैरह ला के देता हूँ मम्मी घर को रास्ते के खाने के लिए। तब तक के लिए कुछ एक आध घंटे के लिए पेट में चले तो जाएगा, तो रुक जाएगा कम से कम कि हाँ चलो भूख नहीं लगेगी, वरना रास्ते पर भूख लगेगी उनको। तो चलते भाई। कट मार दिया लौंडे। चलो भाई लोग, भाई लोग अभी फिर आ गया मैं दोबारा से रिस्मिना के जो टैक्सी स्टैंड है उस पर, और भाई घर वालों को बैठा दिया यहाँ से, और मैं निकलता हूँ भाई अब यहाँ से घर के लिए। और भाई अभी कहीं रुकेंगे तो थोड़ी आफत से आ रही है, रुक जाओ बाहर निकलूँ पहले तब बातचीत करते आपसे। हाँ अब थोड़ा खुल ले रहा है भाई। भाई अब निकलते भाई यहाँ से घर के लिए, मम्मी उम्मी को सबको बैठा दिया भाई फर्स्ट क्लास करके गाड़ी में, फिर थोड़ी देर में गाड़ी चल पड़ेगी, और उससे पहले भाई मैं पहुंच जाऊंगा घर, तो मिलते भाई गाड़ी सबसे आगे। ओ भाई लोग सुबह सुबह यार गाड़ी भगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और भाई अभी तो भाई सुबह तो चले गए, खैर अभी 2 बज रहे, बट ये है कि भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। इस टाइम पर जो है भाई हमें और राइडर भी ज्वाइन करते हैं, पर अभी मेरे को कोई दिखा नहीं अभी तक, तो भाई मज़ा तो आ रहा है इस रोड पे। बाकी चलान वलान ना कटे भाई, इस चीज़ का डर है। निकलते गाड़ी जाते फुल पावर, और मिलते भाई आपको आगे। खाना तो भाई सीधे घर पे ही खाऊंगा, अब मेरा कहीं रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि भाई 2 बज गया और 4 बजे से पहले मेरे को घर वापस जाना, घर पहुँचना है मतलब। तो निकलते गाड़ी फटाफट से भाई, इंडिकेटर दो अगर तुम्हें रास्ता साइड चाहिए तो, ऐसे मत निकलो भाई लोग। तो भाई लोग मम्मी ने बोला था कि भाई गंगा जल लेके आना हरिद्वार से, अब मम्मी की आज्ञा का पालन तो करना ही है, तो ये प्रेम प्रकाश घाट है, यहाँ से मैंने भाई जी से बोतल ले ली एक, मतलब कैन बड़ी, और उसमें भाई मैं ज़रा गंगा जल वगैरह भरने जा रहा हूँ। तो भाई घर वालों की बातें भी कभी मना नहीं करी आज तक हमने ज़िंदगी में, और ना ही करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं भाई लोगों कि घर वालों की बातें सुने करो, कई लोगों को मैंने देखा कि घर वालों की बातें नहीं सुनते, कई यंग लड़के हैं, तो भाई गलत है वो चीज़ें, घर वालों की बातें भी सुननी चाहिए। तो भाई आज गंगा माँ का स्पर्श भी कर ही लेंगे, वैसे तो मैं आते रहता हूँ राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, और अभी होके आते फटाफट से भाई। ओह दोनों फ़ोन मेरे पास ही, ठीक तो ये रहा भाई अपना डब्बा, अब इसमें कम गजल पड़ते भाई, भाई से भरवा दूंगा। भाई भाई ब्रदर जरा 2 मिनट के लिए इसको भर दोगे, मैंने जूते पहने हुए ना। जूते पहने हुए ना, मैंने हाथ नहीं लगाते ना ऐसे गंगा जल को। तो भाई अभी भाई हमारा गंगा जल वगैरह भर रहा है, बस बस ज़्यादा फुल मत करो, एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
तो निकलते हैं भाई लोग। ये हो गया भाई अपना गंगा जल तैयार घर के लिए, नो लीकेज, टाइट से बंद कर दिया। ओह वैसे ही बैग इतना भारी हो रहा था, पर कोई नहीं भाई, इतना वजन तो उठा ही लेगा तुम्हारा भाई गंगा जल के लिए। सो निकलते हैं भाई लोग यहाँ से फटाफट से, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कई बार क्या है मैं चेन लगाना भूल जाता हूँ भाई। एक बार से फिर चेक कर लिया हमने चेन वगैरह, तुम्हारे भाई की सब कुछ लग चुकी है। और निकलते भाई अब यहाँ से, चलो जी भर लिया गंगा जल को और अब निकलते हैं भाई यहाँ से। थोड़े ही समय रह गया भाई हमारे लिए, देन उसके बाद भाई पहुँच जाएंगे। एक मिनट एक मिनट, ओ ओ ओ ओ आ गए भाई हाईवे पे। और भाई अब ग्लोव्स वगैरह पहनते फिर से अपने और निकलते भाई यहाँ से फटाफट से। जगुआर जगुआर गाड़ी अच्छी लग रही है यार वैसे भाई साहब, बल्कि भी बहुत है लग रही है भाई चीज़ जगुआर भाई। ख्वाहिश तो है भाई इन चीज़ों को रखने की, बस ख्वाहिश क्या पूरी भी करेंगे भाई एक दिन। हर किसी का ड्रीम है भाई ये जगुआर लेना, तुम्हारे भाई का भी ड्रीम है। और भाई ये एकदम उसके तरह लग रही है यार, हैरियर की तरह ना, पर हैरियर से बहुत बड़ी है यार ये, हैरियर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और टायर साइज़ देखो भाई इसकी, यहाँ कितना बड़ा है यार इसका, देख रहे हो। तो आगे मिलते हैं गाइस आपसे अभी जब घर जाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा ना डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को गाड़ी चलाने में। ब्लॉगिंग के साथ साथ आप रेस भी करो तो आपको ना कंट्रोल छूट जाता है कई बार रास्ते, आप बोलने में रह जाते हो और आगे से आपको कोई उड़ा के चले जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे आगे। फिलहाल के लिए भाई ब्रेकिंग में ध्यान रखना है, कहीं जगुआर वाले पे ना लग जाए भाई साहब। स्क्रैच भी पड़ा तो पता नहीं कितने रुपए मांगेगा यो। भाई लोग पहुँच गए भाई घर और आ गया भाई अपना कोट द्वार। ओहो भाई 4 बजे तक मैं पहुँच ही गया, मैं निकला करीब करीब भाई 2:00 पे था और अभी बज रहा है 3:43। तो मैं पहुंच गया इधर 2 घंटे से भी कम टाइम लगा मेरे को देहरादून से इधर कवर करने में, जबकि मैं चंडी पुल पे भी रुका, वहाँ भी भाई मैंने गंगा जल वगैरह लिया। जब भाई अपने साथ डोमिनार हो ना तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, इतनी प्यारी गाड़ी है ना ये भैया। अपना जब पैसा खर्चना ही है तो भाई अगर अपनी सेफ्टी देखनी है तो डोमिनार लो भाई, ये तो पावर है, या 390 लो, कोई सी भी लो, मतलब जो पावर वाली गाड़ी है रॉ पावर वाली उसका मिसयूज़ मत करो, ओवरटेक में यूज़ करो ठीक है, मिसयूज़ मत करो। मैं यही कह रहा हूँ कि ओवरटेक में यूज़ करो, क्या होता है कई बार कि तुम अपनी स्पीड पे चल रहे हो, पीछे से रोडवे चलो आपसे तेज़ आया वो आपको उड़ा देगा, पर जब आपके पास डोमिनार हो ना तो आप उनसे भी तेज़ निकल सकते हो, या इससे हैवी सीसी की गाड़ी लो जो आपकी और अच्छी जाती है। और बाकी क्या कहना भाई, तो भाई आप लोग मेरे को ये बताना आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और भाई कमेंट हर कोई करना भाई जो भी है। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन बी सेफ, और सुने शेर ही कह दे।